वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऐमेजन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों अमेजोन का जंगल दुनिया के नौ ममालिक फैला हुआ है जिसमें सरफहरिस्त ब्राज़ील इसका कुल रकबा पचपन लाख नब्बे किलोमीटर पर मुहित है जबकि पाकिस्तान का रकबा सात लाख पचानवे हजार किलोमीटर है ये जंगल साढ़े पाँच करोड़ साल पुराना है अमेजान एक यूनानी लफज है जिसका मतलब लड़ाकू औरत है जमीन की बीस फीसद ऑक्सीजन सिर्फ अमेजोन के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं दुनिया के चालीस फीसद जानवर च्रिंद परिंद हशरातुल अमेजन में पाए जाते हैं यहाँ चार सौ से जायद जंगली कबाइल आबाद हैं इनकी आबादी का तखमीना तकरीब पैंतालीस लाख के करीब बताया गया है ये लोग इक्कीसवीं सदी में भी जंगली स्टाइल में जिंदगी बसर कर रहे हैं इसके कुछ इलाके इतने गने वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और दिन में भी रात का समा होता है यहाँ ऐसे जहरीले अशरारतुलर्स भी पाए जाते हैं कि अगर किसी इंसान को काट लें तो वह चंद सेकंड में ही मर जाए अमेजोन का दरिया पानी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है इसकी लंबाई सात हजार किलोमीटर है दरिया एमेजोन में मछलियों की तीस हजार इकसाम पाई जाती हैं अमेजोन के जंगलात में साठ फीसद जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर हैं कि परिंदों तक को दबोच लेती हैं यहाँ फलों की तीस हजार किस्म पाई जाती हैं महम जो और मायरे हयातियात अभी तक इस जंगल के महज दस फीसद हिस्से तक ही जा सके हैं अगर आप अमेज़ोन के घने जंगलात में हों और मौसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो तकरीबन 12 मिनट तक आप तक बारिश का पानी नहीं पहुंच सकेगा दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल फैंसी बर्ड्स एंड एनिमल इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर वक्त आप तक पहुँच सके दोस्तों जो भी अमेज़ोन को देखता है एक लम्हे के लिए हैरत में डूब जाता है वाकई अल्लाह तला की कुदरत के मुजायरों को देखना है तो इन मुजारों में से एक मुजाहरा अमेजन भी है इसमें अमेजन के दरिया का शामिल होना भी शामिल है यह नज़ारा दो सौ मील की दूरी से भी देखा जा सकता है दरया अमेज़न जनूबी अमरीका का एक अजीम दरिया है जो हजम के अतबार से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है इसमें पानी के बहाव का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेजन के बाद हजम के से दूसरे से छठे नंबर पर आने वाले तमाम दरिया मिलकर भी इसके हजम का मुकाबला नहीं कर सकते यह अफ्रीका के दर नील के बाद दुनिया का दूसरा तवील तरीन दरिया है अमेजोन की इब्तः जनूबी अमरीका के मुलक पैरों के मुकाम न्यू एडा से मसमी से है ब्राज़ील में अमेजोन का तास जिसे अमेजन के ताश के नाम से भी जाना जाता है ये दुनिया का बड़ा तरीन तास है जो रकबे के एतबार से पूरे भारत से भी दोगुना है दरिए अमेजोन का पानी बहरह के नुस में गिरता है और बारिश के मौसमों में समुद्र में गिरने वाला पानी तीस लाख मुकब मीटर फीस सेकेंड पहुँच जाता है दुनिया भर में समुंदर गिरने वाले मीठे पानी के कुल हजम का पाँचवा हिस्सा दरए अमेजन से गिरता है द्राए अमेजोन की लंबाई चार हजार मील है और दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है दुनिया के मीठे पानी का पाँचवा हिस्सा इसके किनारों के दरमियान होता है तकरीबन एक हज़ार छोटे बड़े दरिया इसमें शामिल हैं जो इसके बाहों में इजाफ़ा करते हैं ये मुख्तरी मकाम से समुंदर में गिरता है इन तमाम मकाम पर मुश्तमिल इलाक़ों को अमेजोन का नाम दिया गया है मज़द अंगेज़ बात यह है कि ये इलाका यानि अमेजोनिया को मुल्कों के तमाम साहली इलाकों पर मुश्तम है इस मुकाम पर अमेजोन एक बड़े जजीरे को घेरे हुए है ये जजीरा स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है शायद इससे दरिया अमेजोन को सबसे छोटा दरिया भी कहते हैं मछलियों की सबसे ज़्यादा अकसाम दर अमेजोन में पाई जाती हैं अमेजोन के किनारे पर पाए जाने वाले बरसाती जंगलात को दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहा जा सकता है बल्कि दुनिया के एक तन्हाई जंगलात इस खत्े में वाकिया है यहाँ की ज़रखेज़ आबो हवा अजीब व गरीब किस्म के जानवर पाए जाते हैं एमज़ोन की मकड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि परिंदों को भी पकड़ कर दबोच लेती हैं इसके अलावा दुनिया के तमाम परिंदों की आधी इकसाम यहाँ पाई जाती हैं जबकि मायरे हयातियात का कहना है कि पचास फ़ीसद इकसाम अभी तक बेनाम हैं जिनके के अभी कोई मालूम नहीं है यहाँ से अब तक कीड़े मकोड़ों की आठ सौ इकसाम जमा किया जा चुका है बैरालकाइल से ज़्यादा मछलियाँ दरियाए अमेज़ोन में पाई जाती हैं मछलियों के अलावा यहाँ बजरी गायें कछुए, अज़दे भी पाए जाते हैं अमेजोन की तरा में रहने वाले कबाइल किसी तरह जहरीले और मूजी जानवरों के दरमिया रहते हैं एक अलग दास्तान है इन्हें कोई गर्ज़ नहीं कि बाहर की दुनिया किस तरह चल रही है ये अभी तक तीर कमान मछली का शिकार करते हैं बंदरों को अपने झजा बनाते हैं बाहर की दुनिया यहाँ कदम रखने से इन्हें बहुत कम फर्क पड़ता है